स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन के बारे में। इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि इंडक्शन मोटर इज़ ए मोटर विच रन ऑन ऑल्टरनेटिंग करेंट सप्लाई एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे आसान शब्दों में कहें तो इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो कि एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से चलती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस पर काम करती है। मैं एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है और ये जो ईएमएफ होता है ये ईएमएफ फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम समझते हैं इंडक्शन मोटर की वर्किंग के बारे में। तो इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर घूमता है। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग्स को रखा जाता है और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाता है। रोटर दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। रोटर की जो कोर होती है वो बहुत सारी लेमिनेशंस से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर लेमिनेशंस का मतलब है कि जो कोर होती है वो बहुत सारी पतली पतली मेटल शीट को एक के ऊपर एक रखकर बनाई जाती है और इस रोटर के कोर पर स्लॉट्स भी कटे होते हैं जिनके अंदर रोटर कंडक्टर्स को रखा जाता है। यह रोटर कंडक्टर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। इसके बाद इन कंडक्टर्स को कोर के आखिर में एंट्रिंग्स लगाकर शॉर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से रोटर में उत्पन्न हुआ करंट रोटर में ही फ्लो करते रहता है और इसके कारण रोटर के कंडक्टर्स पर टॉर्क लगता है। यह टॉर्क रोटर शाफ्ट द्वारा हमें मिल जाता है। रोटर दो प्रकार के होते हैं, स्क्विरल केज रोटर और उन्ड टाइप रोटर। अब तक हम जिस रोटर के बारे में चर्चा कर रहे थे वह स्क्विरल केज रोटर था। इसके बाद उन टाइप रोटर के बारे में भी समझ लेते हैं। उन टाइप रोटर के अंदर स्क्विरल केज टाइप रोटर के मुकाबले ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न होता है। इसका कारण उन टाइप रोटर की कंस्ट्रक्शन होती है। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन को भी समझ लेते हैं। उन टाइप रोटर दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसके आउटर साइड में स्लॉट्स कटे होते हैं। इसमें रोटर कंडक्टर्स को लपेटा जाता है और इस कंडक्टर का जो एंड पोर्शन होता है उसे रोटर शाफ्ट के ऊपर बने स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। अब अगर हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होगी तब हम स्लिप रिंग के साथ रेजिस्टर को जोड़ देंगे जिससे रोटर में जाने वाला करंट कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस के बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ता है। उन टाइप रोटर वाले इंडक्शन मोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं और स्क्विरल केज टाइप रोटर वाले इंडक्शन मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम उस जगह ही उपयोग करते हैं जहां हमें टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि एलिवेटर्स, क्रेन्स या लिफ्ट में। और स्क्विरल केज टाइप रोटर वाले इंडक्शन मोटर को हम उस जगह उपयोग करते हैं जहां कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में जो ड्राफ्ट फैन लगे होते हैं उनके अंदर या कन्वेयर बेल्ट्स को चलाने के लिए हम स्क्विरल केज मोटर को ही यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो।
उम्मीद है कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।